मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 18 के कारगिल अपार्टमेंट में, और मुझे एक ये अपार्टमेंट दिखी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और भैया इसका फ्लैट नंबर क्या होगा? 155। ये 155 की फ्लैट नंबर है, फ्लैट नंबर 155 की ये फ्लैट बनी है। और हमारे कॉन्ट्रैक्टर सर जो यहाँ पर खड़े हैं, ये आपको डिटेल में मेंशन करेंगे कि एक्चुअल में कितनी बजट में बनी है, क्या है क्या नहीं है। अभी हम लोग चल रहे हैं ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग रूम। ठीक है, ये हमारा इसमें डाइनिंग वगैरह जो भी है और सोफा वगैरह इसमें शिफ्ट होगा। और ये हमारा एसी लगा है, ये आप ऊपर का देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इन्होंने डेकोरेट किया। सारा चीज़ इन्हीं का खुद का डेकोरेट किया हुआ है, जो भी किए हैं अपने अकॉर्डिंग किए हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही लाजवाब है। मिलते हैं इनसे और बातें करते हैं कि हाँ ये क्या कह रहे हैं। तो भैया ये मतलब बेसिकली कितने चार्जेस वगैरह लग गई होगी, क्या है इसके बारे में बताएं। तो बेसिकली भैया का कहना है कि नॉर्मली ये 18 से 20 के अंदर में इस मतलब इतने खूबसूरत आप फ्लैट बना सकते हैं। और ये हमारा जो है ना ओपन किचन है, मॉडुलर किचन, जो कि देखने में ही बहुत यूनिक सा लग रहा है। देखें आप यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना लाजवाब लग रहा है। ये हमारा हर एक चीज़ में फिक्स है। अभी फिनिशिंग आज लास्ट है तो चल रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक कमरा, ये देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत। भैया ये कितने बाई कितने की होगी ये कमरा? ये 15x12 की कमरा है, जो कि एक बेड आप देख सकते हैं। और इसकी स्पेस देख लीजिए कितनी ज़्यादा स्पेस है। ये हमारा अंडर में अलमीरा हो गया, एसीज वगैरह लगे हैं, ये लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं कितनी लाजवाब, ये खूबसूरती बढ़ाती है लाइटिंग ऐसे भी। और मैं आपको अलग दूसरा कमरा दिखाता हूँ, ये देखिए ये भी इसकी भी आप उतना ही अंदाज़ लगा सकते हैं। और एसी वगैरह जो है, बेड वगैरह, और ये जो है बाथरूम अटैच्ड है। ठीक है, इसे भी बाथरूम कहते हैं, तो मैं आपको बाथरूम भी खोल के दिखा देता हूँ इसकी बाथरूम कैसी है। ये देखिए शावर वगैरह, फिर कितनी खूबसूरत। बस ऐसी नॉर्मल और मीडियम अगर फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऐसी फ्लैट को आप चाहते हैं, तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट पे कॉल करें, आपको बिल्कुल अच्छा सर्विस मिलेगा। ये हमारा मेन बाथरूम, इंडियन सीट, ये मेरा मेन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये हमारा हॉल है, जो कि बहुत ही यूनिक लग रहा है देखने में। बाकी सारा चीज़ अगर जानना है तो दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, बिंदास आपको हर एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आप देख सकते हैं ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि यहीं हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हो गए। और आपके इस जो फ्लैट है, इनके ऑनर से बात करते हैं और पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। तो भैया नमस्ते, पहले बताइए थोड़ा ये इसके बारे में, आपको कैसा मतलब लग रहा है, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं तो कैसा काम किए हैं? जी, काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया जी, मुझे उम्मीद नहीं थी ये घर मतलब इतना अच्छा निकल के आएगा, इतना अच्छा ये बनकर आएगा जी। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें जो हमें भी आइडिया नहीं था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये लगवाइए, ये ज़्यादा चलेगा, ऐसे काम करवाइए ज़्यादा चलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और बहुत अच्छा काम मुझे इनका लगा है। और सुनने में आया है कि सर ये मतलब बहुत ही कम टाइम में, मतलब बहुत ही शॉर्ट स्पैन, क्योंकि हमारी इससे पहले भी एक दो लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने हमें किसी ने 5 मंथ्स, किसी ने 6 मंथ्स का टाइम नहीं दिया था। 6 मंथ से पहले मिलते ही 6 मंथ से पहले का टाइम किसी ने दिया था, सभी मुझे बोला था 6 मंथ में नहीं आएगा। बट इन्होंने मेरे को अच्छा, जब इनसे मेरी बात हुई थी, इन्होंने भी कहा था कि 5 मंथ से 4 मंथ्स मैं कोशिश करूँगा, बट इन्होंने मेरे को 3 मंथ्स से अंदर, यानी विदिन 90 डेज में इन्होंने मेरे को सारा काम रेडी करके दिया। ओनली 90 डेज? सिर्फ 90 डेज। ये तो सर इम्पॉसिबल है। 90 डेज में भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन हम मुझे कुछ इशूज़ आ गए थे, वो आईजीएल की जो पाइपलाइन थी ओके उनके वजह से कुछ डिले हुआ था 15 डेज का मुझे लगता है ऑलमोस्ट। अदरवाइज उसको अगर 15 डेज में इंक्लूड करूँगा, उसके बाद भी 90 डेज में मुझे पूरा घर रेडी मिला, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ ये काम से। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।